हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। एंड दिस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आपने पहला एक पिकअप शॉट देखा जिसमें मैंने तीन ट्रिमर्स दिखाए, तो दिस वीडियो इज अगेन अबाउट टेक अबाउट ग्रूमिंग। तो इस चैनल पे मैं जो भी टेक यूज़ करता हूँ उसको शेयर करता हूँ। तो ग्रूमिंग के भी वीडियोज, मतलब मेल ग्रूमिंग में हम ट्रिमर्स यूज़ करते हैं। आई कीप बियर्ड, फ्रेंच बियर्ड, सो फॉर दैट वी नीड ट्रिमर्स। ट्रिमर्स की आवश्यकता होती है। और आपके दिमाग में टाइटल पढ़ के आया होगा कि मी ट्रिमर जो लेटेस्ट अभी आया था मार्केट में, ये मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बारे में खास चीज़, एक खास खामी बताने वाला हूँ आपको जो मैंने फेस की है। मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा मैं ट्रिमर्स में इसको बादशाह कहा जाता है, ब्राउन को भी यूज़ कर चुका हूँ। और ऑलराउंडर जो कहा जाता है फिलिप्स, ये टाइटेनियम मॉडल है हाई एंड जो लेटेस्ट में, वो भी यूज़ कर चुका हूँ। अब दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप इनमें से कोई चॉइस कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हैं कौन सा ट्रिमर लिया जाए, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अगर आप मी ट्रिमर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में, जो काफ़ी लोग कोई भी नहीं बता रहा, टेक्निकल चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है, जिसकी वजह से इस ट्रिमर में इतनी मतलब अच्छी चीज़ें होते हुए भी वो चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो का पूरा, तो आपको बताते हैं इनमें से कौन सा है बेस्ट। और तो लेने से पहले, ट्रिमर चॉइस करने से पहले ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अब तीनों में से सबसे पहले हम बताते हैं जो मैं खामी की बात कर रहा हूँ, मी का ट्रिमर बहुत बढ़िया अभी लॉन्च हुआ था। इसमें सबसे बड़ा USP इसका सेलिंग पॉइंट था, एक तो प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है और नंबर टू दिखने में बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, होल्डिंग में बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है सबसे बढ़िया। इन दोनों में वाटरप्रूफिंग नहीं है और इससे महंगे हैं ये, बट स्टिल इसका USP यही है वाटरप्रूफ होने की वजह से, और उसकी वाटरप्रूफिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस टाइटल की वजह से आपने ये देखा है वो मैं सबसे पहले आपको रिवील करता हूँ बात। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती हैं ना ट्रिमर्स, ये कहने के लिए ट्रिमर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग का काम किया जाता है। डिजाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू योर फेस, डिजाइनिंग रिस्पेक्ट टू योर हेयर, बियर्ड कैसे आपने सेट करनी है। अब इन्होंने एक ट्रिमर तैयार कर दिया, क्योंकि मी जो ज्योमी कंपनी है ये मशहूर है कि आपको बजट में चीज़ें देने के लिए। तो फ्रेंड, जब बजट में चीज़ आती है तो जो महंगे डिज़ाइनर्स होते हैं ना या इंजीनियर्स होते हैं, तो वो हायर करना मुश्किल होता है। अगर आप वो हायर करेंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो चीज़ कौन करता है? वो चीज़ करते हैं ब्राउन जैसे ट्रिमर्स। इसके डिज़ाइन और इसके डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिज़ाइन का क्या मतलब इस ट्रिमर में, वो मैं आपको समझाता हूँ। बात ऐसी है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ के जो आपके माउस्टेक के जो बाल होते हैं उनको आपने ट्रिम करना है। इस ट्रिमर में डिज़ाइनिंग फ्लॉ इतना बड़ा है कि आप इसको स्ट्रेट इस तरह से अगर आप इसको चलाएंगे तो आपके ये बाल ट्रिम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये ऊपर वाले जो बाल होते हैं यहाँ तक ये पहुँचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुँचता? क्योंकि इसके जो ये देख रहे हैं सामने वाले, जो इसकी कॉम्ब है, वो इतनी अच्छे से डिज़ाइन नहीं की गई। क्योंकि जब हम इसमें कुछ सेटिंग करते हैं, 2 नंबर 3 नंबर पे हमने रखना है, थोड़े ट्रिम करने हैं बाल, तो ये नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो बिल्कुल आपके टिप में है मूछों के, वो वहाँ तक ये ट्रिमर पहुँच ही नहीं पाता। मैं लाख कोशिश कर लूँ यहाँ तक ये ट्रिम नहीं कर पाता। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको चला कैसे रहा हूँ? तो इसको मुझे ऐसे इन्वर्टेड रखना पड़ता है, और फिर इन्वर्टेड करके काफ़ी मुश्किल से, मैं कहूँगा मुश्किल होती है, कंफर्ट उसका फिर भाड़ में जाता है, वाटरप्रूफिंग इसकी भाड़ में जाती है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो ऊपर के टिप के बाल हैं हमारी मूछों के, वहाँ तक ये इसके डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से नहीं पहुँच पाता। ऑन द अदर हैंड दिस ब्राउन, ये मैं कहूँगा ट्रिमर्स का राजा है। अगर आप ऐसे ट्रिमर देख रहे हैं जिसमें आपको कंफर्ट चाहिए, फुल कंफर्ट, और उसके साथ आपको ऐसा चाहिए ट्रिमर कि यूं लगाते ही आपके मतलब जिस लेवल के आपको बाल चाहिए फटाफट दे दे, वो चीज़, वो कंफर्ट आपको ब्राउन प्रोवाइड करवाएगा। अब ब्राउन के हाई एंड जो मॉडल्स हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं, उसमें आपको वाटर प्रूफिंग भी मिल जाएगी, लेकिन आपने बजट में रहना है तो वाटर से इसका पंगा ना लें, क्योंकि वो मैं ले चुका हूँ, उसकी वजह से ये ख़राब हुआ था, मैंने पानी में उसको कर दिया था, प्रॉब्लम नहीं होता था पता, तो गलती सबसे होती है। तो डिज़ाइनिंग के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये ब्राउन। अगर आप तीनों में कंफ्यूज हैं
कि फिलिप्स का लें, ज़ियोमी मी का लें या ब्राउन लें। तो अगर आप ऐसे कस्टमर हैं जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको टू द पॉइंट एकदम परफेक्शन चाहिए काम में, और पैसे भी आपको वो नहीं है कि आप बजट का नहीं देख रहे हैं, आपको बस चीज़ बेहतरीन चाहिए, तो अगर आप वो कस्टमर हैं तो आप जाएं ब्रॉन्ड। और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसके हाई एंड मॉडल आते हैं, वो भी आने वाले टाइम में शायद मैं इस चैनल पे लगाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ। तो ये बजट मॉडल में आता है, बट इन दोनों मी इससे तो महंगा है ये, एंड इसकी डिटेल मैंने लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर मैं खरीदना तो खरीद सकते हैं। तो ये आपको बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस देता है दिस वन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसा ब्रांड चाहते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो और ड्यूरेबल भी हो, तब आप फिलिप्स की तरफ जा सकते हैं। डिज़ाइनिंग के मामले में ये ब्रॉन से आगे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मी से ये आगे है, क्योंकि इसमें भी मुझे जो मूछों वाली मैं आपको प्रॉब्लम कह रहा था, ये भी बड़े इसका डिज़ाइन में भी फिलिप्स ने पैसा लगाया, तो बहुत इंजीनियरिंग अच्छे से की है, बहुत इजीली विदाउट एनी डिसकंफर्ट मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। जो मेन चीज़ है, आपके बाल कटने चाहिए यार, आपके बाल ट्रिम होने चाहिए। जिस चीज़ में आप जिस चीज़ के लिए बनाया है, ट्रिमिंग के लिए बनाया है हमने, अगर ये वाटर प्रूफिंग दे रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, अगर ये बाल मतलब ट्रिमिंग करने में इतना टाइम लगाता है। ट्रिमिंग करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अगर आप छोटे वाले बाल ऊपर वाले काट रहे हैं तो इससे पूछोगे तो उस मामले में ये फेल है। तो जो जो भी लोग सोच रहे हैं मी को बाय करने के लिए, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे ट्रिमिंग दाढ़ी की बढ़िया, नीचे फ्रेंच बढ़िया, लेकिन जो आप माउस टैग की करेंगे मतलब मूछों की करेंगे, तब ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्यों देगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ढंग से नहीं की गई है, इसका जो कॉम्ब है और ब्लेड का जो कॉम्बिनेशन है ढंग से आपके कंफर्ट लेवल नहीं देता आपको, मूछों को स्पेशली। ऑन द अदर हैंड, फिलिप्स इससे वन नंबर आगे है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें आपको वाटर प्रूफिंग, इसके हाई एंड मॉडल्स में भी मेरे को अभी तक कोई मॉडल नहीं दिखा। अगर किसी को मालूम है फिलिप्स का फुली वाटर प्रूफ मॉडल तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा। फिलहाल मुझे इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि ये वाटरप्रूफ मॉडल नहीं दे रहा, अदरवाइज इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड राजा है, एंड द विनर ऑफ द गेम इज़ ब्रॉन। ब्रॉन हर एक एंड में आपको, हर एक मतलब एस्पेक्ट में आपको अच्छे से कम्फर्ट भी देता है, परफॉर्मेंस भी देता है, और आगे पास प्राइस मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाटरप्रूफिंग भी देता है। तो सभी रिस्पेक्ट्स में ब्रॉन इज़ द विनर, इट इज़ नंबर वन। इसके बाद आता है आपका फिलिप्स, जो कि आपको वाटरप्रूफिंग ना देते हुए बाकी सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, द वे इट कट्स द हेयर, फिलिप्स में वो बात नहीं है। अगेन परफॉर्मेंस वाइज मतलब जो अग्रेसिवनेस है, एकदम जैसे आप रखते हैं ना इस पर धड़ 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 पटाक करके मारता है बार, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे करता है। तो दिस इज नंबर टू। एंड अगर आप मी के फैन हैं और ट्राई करना चाहते हैं, मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है, मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, और अगर आपको मूछों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जद्दोजहद करके जैसे मैं कर रहा हूँ, तब आप ये ले सकते हैं। इसमें सिर्फ वाटर प्रूफिंग आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगी, जो कि ये दोनों ही नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बैटरी बैकअप भी ठीक है, बैटरी तो सबकी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैटरी बैकअप सब दे रहे हैं अच्छा। एंड दैट इज़ इट, ये नंबर थ्री में रखूँगा, इसीलिए यही सबसे बड़ा इसमें कारण है कि जो मैंने टाइटल में लिखा है कि अगर आप लेने वाले हैं तो इसमें ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग का फ्लॉ है, इसकी कॉम्ब और नाइफ में कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और होप आपको हेल्प मिली होगी इन तीनों ट्रिमर्स के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बताया। इन तीनों के मैंने जो मैंने यूज़ कर रखे हैं लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप लेना चाहें, जो भी आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, और अपने सुझाव ज़रूर लिखें। अगर आपने भी मी ट्रिमर यूज़ किया है और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि औरों को भी पता लगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मी के ट्रिमर में। अदरवाइज ब्रॉन इज़ द बादशाह ऑफ ट्रिमर्स अप टिल नाउ। और कोई आपको सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये टेक जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए, और आई लव टू शेयर माई नॉलेज। और कोई गलती मुझसे भी हुई तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ,
जो भी मुझे नॉलेज होती है अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। होप आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।